हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेडी सीरियस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। तो पहले लेक्चर 1, 2, 3 को अपना क्या कर लोगे, खत्म कर लोगे, फिर स्टार्ट करोगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। दोस्तों आज का हमारा जो टारगेट है पढ़ने का, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर कौन होता है, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय स्टॉपिल कौन होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आपका डिलीटेड है, इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे माइनर एज अ पार्टनर, क्या ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं क्या ये लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में, कि सर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, लीगल डॉक्यूमेंट ये कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आज की वीडियोस के अंदर। और सर फिर बचेगा हमारा लास्ट टॉपिक जिसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने सुंदर सुंदर नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, बस आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है और क्या करना है सर, मजे करने हैं बस, ठीक है, कुछ नहीं करना और बस आप लोगों को क्या करना है सर, मजे करने हैं। वीडियो देखने के बाद उसको एक बार नोट्स के साथ आप क्या कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को डाउनलोड और उसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे मैं एक लिंक और दे दूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर दिया करूंगा सर, नोट शेयर करा करूंगा, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करते हैं सर, देखो कौन कौन से, एक होता है सर एक्टिव पार्टनर। कौन सा पार्टनर सर, एक्टिव पार्टनर सर, ये क्या करता है सर, उछल कूद करता है पूरे दिन, बंदरों की तरह एक टेबल से दूसरी टेबल के ऊपर भागता है, ठीक है, केले खाता रहता है, इसको क्या बोलते हैं सर, एक्टिव पार्टनर बोलते हैं सर। क्या मजाक कर, यस ये तो मजाक था, अब पढ़ते हैं सर एक्टिव पार्टनर क्या होता है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कौन होता है एक्टिव पार्टनर, क्या करता है एक्टिव पार्टनर। चलो चलो जी, चलो चलो पढ़ना चालू करो। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। सर 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 ये बंदा क्या लगाता है बिजनेस में, कैपिटल लगाता है, यस सर, इसने बिजनेस में क्या लगाई है सर, कैपिटल लगाई है। चलो पहला पॉइंट तो हो गया, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ये कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर भी क्या कर सकता है सर, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है सर, पार्टिसिपेट करता है, ओके सर। शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो इसके बीच में क्या होगा, बटेगा। इसकी लाइबिलिटी कैसी होती है सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है टू द एक्सटेंट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। तो सर चार बातें होगी एक्टिव पार्टनर के अंदर, सर ये पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाएगा, भाई बिजनेस स्टार्ट करना है कैपिटल तो लगानी पड़ेगी। सर ये मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, डिसीजंस लेता है, डे टू डे डिसीजंस। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसकी क्या होती है सर, हिस्सेदारी होती है। और सर अगर हम बात करें तो इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। सर इसी की तरह होता है एक स्लीपिंग पार्टनर, सर ये वो पार्टनर है जो कि सोता रहता है, कंपनी में आता है एसी चलाता है और सो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं सर, डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं सर। सर क्यों मजाक कर रहे हो भाई, नाम ही ऐसा क्या करें सर, मजाक हो जाता है। लेकिन अब देखो बात करते हैं, पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज, तो भैया स्लीपिंग पार्टनर है इसलिए डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। तो ये कभी कभार क्या करता है, बिजनेस में आके पूछ लेते हैं, हाँ भाई क्या काम चल रहा है, क्या चल रहा है। स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, तो भैया ये कैपिटल लगाता है, पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, नो डाउट। ये क्या करता है, प्रॉफिट्स एंड लॉस में इसकी हिस्सेदारी होती है, और सर इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो सर देखो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, कौन, स्लीपिंग पार्टनर। बाकी 3 पॉइंट्स तो एज इट इज है। तो अगर आपने एक्टिव पार्टनर को लर्न कर लिया, चारों पॉइंट्स को अगर आपको पता है कि सर कैपिटल लगाएगा, सर कैपिटल लगाएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, और सर लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर में क्या है, स्लीपिंग पार्टनर में ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज ये क्या है, स्लीपिंग है, ठीक है। फिर आपको एक होता है सर सीक्रेट पार्टनर। सर सीक्रेट पार्टनर का मतलब पता है ना, सीक्रेट का मतलब आपको पता है ना, कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि ये हमारी कंपनी का कौन है पार्टनर, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है कि ये हमारी कंपनी में कौन था पार्टनर था। तो ही इज वन हूज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन, ये एक ऐसा पार्टनर है जिसके जिसके बारे में जो रिलेशनशिप है वो किसी को नहीं पता, टू द जनरल पब्लिक, पब्लिक को पता ही नहीं था कि ये हमारा पार्टनर है। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल, सर ये बिजनेस की कैपिटल में पैसे तो लगाता है। टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है। सर प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर भी करता है, और इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है। बस सिर्फ इसके अंदर क्या बात है सर, नाम से क्या पता चल रहा है, सीक्रेट पार्टनर है ना, तो मतलब किसी को पता नहीं है कि ये हमारा पार्टनर था, इसने पैसे भी लगाए थे, इसने मैनेजमेंट में पार्ट भी लिया था, इसको बोलते हैं क्या, सीक्रेट पार्टनर, ठीक है सर। ठीक होता है सर आपका नॉमिनल पार्टनर। सच अ पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम, इसने सिर्फ भैया क्या दिया है, कंपनी को अपना नाम दिया है,
गुडविल दी है टू द फर्म। जैसे मान लो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो भैया जो बड़े बड़े एक्टर्स है ना, जैसे शाहरुख खान वगैरह, वो फीस तो लेते ही लेते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा ना उसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। तो ये बंदे ने क्या दिया, अपना नाम दिया। जैसे बायजूस का ऐड करता था शाहरुख खान, तो उसने बायजूस को अपना नाम दिया कि भैया शाहरुख खान ऐड कर रहा, अपनी गुडविल, क्योंकि नाम जो बना हुआ है उसके वजह से कौन आते हैं सर, कस्टमर्स आते हैं। ही नीदर इन्वेस्ट एनी मनी, मनी नहीं लगाता, बट उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कल को अगर लॉस हो गया तो भैया उनको भी भरपाई करके देनी पड़ेगी। तो भैया ये कौन है पार्टनर, ये अपना नेम दे रहा है सर, ये अपनी गुडविल दे रहा है, वो इन्वेस्ट मनी नहीं दे रहा, वो कैपिटल नहीं लगा रहा। उसने क्या दे दिया, जब अपना नाम ही दे दिया, उसका नाम ही इतना बड़ा। आज शाहरुख खान बोले कि भाई मैं तेरे लिए जो ना ऐड कर दूंगा कॉमर्स सीरीज क्लासेस, लेकिन मेरे को प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी चाहिए। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप ऐड कर दो, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपका नाम जैसे मेरे नाम के साथ कनेक्ट हो जाएगा कॉमर्स सीरीज क्लासेस के लिए, तो आपके फैंस ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, मेरे पास ट्यूशन क्लासेस लगा लेंगे। तो भैया उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। सर ऐसा भी होता है क्या, अगर कल को लॉस हो गया तो शाहरुख खान पैसे देगा? बेटा देखो, अब ये प्रैक्टिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग क्या बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके अंदर बोल देते हैं भाई लॉसेस के अंदर हमारा कोई हाथ नहीं होगा, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट्स के अंदर शेयर चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये लोग किसी मूवी के अंदर एक्टिंग वैक्टिंग करते हैं, तो अगर वो मूवी नहीं चली तो इनकी फीस तो होती होती है, फिर इनका परसेंटेज होता है प्रॉफिट्स के ऊपर, के जो प्रॉफिट होगा उसका भी परसेंटेज लेंगे, लेकिन लॉसेस के अंदर कोई परसेंटेज नहीं होता। मैंने कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को नहीं बोला था कि मेरे ऊपर पैसे लगाओ, उसको फिल्म बनानी थी, उसने मेरे को हायर कर लिया, तो मैं अपनी फीस लूंगा प्लस प्रॉफिट के अंदर कट लूंगा। कल को अगर लॉस हो गया तो वो किसका है, डायरेक्टर का या फिर प्रोड्यूसर का। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए आप लोग? यस सर। फिर एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपिल, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, पार्टनर बाय स्टॉपिल, चलो पार्टनर बाय स्टॉपिल पता है क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो कि उस कंपनी का पार्टनर नहीं है लेकिन आपको जता रहा है कि वो उस कंपनी का पार्टनर है। जैसे सर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक बंदा एचडीएफसी बैंक से, कहाँ से आया, एचडीएफसी बैंक से, उसने आई कार्ड पहन रखा था एचडीएफसी बैंक से, और वो अपने आपको क्या बता रहा था कि सर मैं एचडीएफसी बैंक से आया हूँ और मैं आपको जो है ना एफडी करवा लूँ, मैं आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, अगर आप बैंक से एफडी करवाओगे तो 60% का इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप मेरे थ्रू एफडी करवाओगे तो मैं आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलवाऊंगा। कितना दिलवाऊंगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलवाऊंगा। सर उसका आईडी कार्ड उसने दिखाया एचडीएफसी बैंक का था, ठीक है, उसके शर्ट के ऊपर भी यहाँ पे प्रिंटेड था, लोगो लगा हुआ था एचडीएफसी बैंक का, तो मैंने क्या मान लिया कि वो पार्टनर कहाँ का है, सर एचडीएफसी बैंक का है, तो मैंने उसको क्या दे दिए, पैसे दे दिए, लेकिन भैया वो फ्रॉड इंसान निकला और वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। अब सर क्या मैं वो पैसे एचडीएफसी बैंक से ले सकता हूँ? एचडीएफसी बैंक मेरे को क्या बोलेगा, भाई कोई आपको पागल बना गया हमारे नाम पे, तो हम आपको पैसे क्यों देंगे, वो तो हमारा कोई पार्टनर ही नहीं है। तो भैया वो पैसे लेने की लाइबिलिटी मैं किससे लूंगा, वो जो बंदा जो आया था ना मेरे को एचडीएफसी बैंक का जो बता रहा था, तो वो बंदा मेरे को क्या देगा, मेरे पैसे वापस करेगा, एचडीएफसी बैंक मुझे पैसे वापस नहीं करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज द वन हु बाय हिज वर्ड्स, एक ऐसा बंदा जो अपने शब्दों से या अपने तरीके से, जैसे मान लो उसने आई कार्ड पहन रखा है और शर्ट के ऊपर किसका स्टैंप लगा रखा है, एचडीएफसी बैंक का, इंप्रेशन देता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो उसने इंप्रेशन दिया आउटसाइड वर्ल्ड को दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, कि भैया वो एक कंपनी का पार्टनर है, वेयर एज एक्चुअली ही इज नॉट, लेकिन वो पार्टनर नहीं था। उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड टूवर्ड्स अ थर्ड पार्टी, तो उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड, भैया जितना उसने मेरे को लॉस करके गया है पूरा पूरा लॉस उसको मुझे देना पड़ेगा। हु हैज एंटर्ड इनटू डीलिंग विद फर्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिटेंशंस, तो प्रिटेंशंस का मतलब क्या होता है कि भाई जताना कि मैं उस कंपनी का पार्टनर्स हूँ, तो भैया मैं पैसे एचडीएफसी बैंक से नहीं ले सकता, वो जो बंदा मेरे को फूल पागल बना के जो गया था उसी बंदे से मैं क्या लूंगा, पैसे लूंगा। इसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपिल। अब भैया ये वाला टॉपिक तो आपका डिलीटेड है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब मान लो जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आप लोग माइनर हो, नहीं सर हम तो बड़े हो गए, अरे भैया सरकार बोलती है अभी तुम छोटे हो, क्यों सर हम तो बड़े हो गए, सर हम तो 11th क्लास में आ गए, अगले साल 12th में आ जाएंगे। भैया लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से अभी आप छोटे हो, कानून आपको बड़ा कब मानता है, जब आपकी एज मोर देन कितने इयर्स हो जाती है, 18, या आप 18 साल के हो जाते हो या 18 साल से ज्यादा के हो जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो, मेजर हो जाते हो, मेजर। अभी आप कौन हो, माइनर, छोटे छोटे बच्चे हो अभी आप माइनर, एकदम जैसे मैंने ये फोटो बना रखी है ना, तो ऐसे हो आप लोग छोटे छोटे। तो क्या सर छोटे लोग पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो ये लड़का था और ये जो लड़की, दोनों जने पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं क्या सर, नहीं कर सकते। तो अब माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट, हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो माइनर कौन होता है सर, वो बंदा जो कि अभी 18 साल का नहीं हुआ, इज नॉट कैपेबल ऑफ एनलार्जिंग इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट, तो आप एक एग्रीमेंट नहीं बना सकते क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो। आप एग्रीमेंट कब बना सकते हो, पार्टनरशिप का बिजनेस कब बना सकते हो, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप एक पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ मिलकर।
ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। अभी आप छोटे हो, रहा माइनर हो, तो आप किसी कंपनी के पार्टनर भी नहीं बन सकते। हाउएवर माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इनको पार्टनरशिप का क्या बन सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। मान लो ये लड़का था, इसके फादर जो है एक पार्टनरशिप बिजनेस में क्या थे, पार्टनर थे। मान लो कल किसी रीजन के वजह से उनकी डेथ हो गई, अब उस पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होगा, उस प्रॉफिट का हकदार ये लड़का भी तो होगा ना। लेकिन अगर उस पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो गया, तो भैया लॉस इस लड़के को नहीं मिलेगा, इस लड़के को सिर्फ क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट्स मिलेगा, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर्स चाहेंगे तो। ठीक है, अब वो बाकी के पार्टनर्स वो ये सोच सकते हैं, यार बेचारा लड़का है, उसके पापा ने इतने साल मेहनत मेहनत करी, तो जो भी कंपनी में प्रॉफिट होएगा तो हम इस लड़के की पढ़ाई वढ़ाई के लिए दे दिया करेंगे। ही कैन नॉट बी आस्ट टू बियर द लॉसेस। लेकिन अगर लॉस हो गया तो इस लड़के को क्या नहीं मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा सारे पार्टनर्स की सहमति के साथ। हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई हिम। भैया इसकी लाइबिलिटी कैसे होगी, लिमिटेड। मान लो कल को बिजनेस के अंदर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इसके पापा का जो पैसा है, जो उन्होंने कैपिटल जो लगाई थी, वो ही बस क्या हो सकता है, डूब सकता है। जैसे मान लो अगर लॉस हो गया 5 करोड़ का, तो इसके पापा ने कितने पैसे लगा रखे थे, 50 लाख। तो इस लड़के से पूरे 5 करोड़ नहीं लेंगे, सिर्फ कितने पैसे देने पड़ेंगे इसको, 50 लाख। तो इसके पापा ने जो बिजनेस में पैसे लगाए थे ना, सिर्फ वो डूब सकते हैं। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। छोटा है, माइनर है, तो इसको हम डिसीजंस नहीं लेने देंगे, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ सकता है आपका, माइनर के लिए एमसीक्यू और क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से देख लेना, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब सर जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम क्या है सर, पार्टनरशिप डीड। मैं बहुत बार इस वर्ड को बोल चुका हूँ, इसका नाम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। तो रिटर्न एग्रीमेंट, ये कैसे एग्रीमेंट है दोस्तों, रिटर्न एग्रीमेंट है, स्टैम्प्ड पेपर है, जो कि स्पेसिफाई करता है टर्म्स एंड कंडीशंस किसकी पार्टनरशिप, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसपे सरकार का स्टैंप लगा हुआ है, और पार्टनर्स ने क्या कर रखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखे, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, कल को प्रॉफिट्स ये लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जाके आगे चल के किसी के बीच में लड़ाई ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ज़्यादा प्रॉफिट देख के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना, ज़्यादा पैसे वैसे ले लेते हैं, चीट कर देते हैं किसी दूसरे को, तो यहाँ पे इससे ना चीटिंग नहीं हो सकती। बात करते आगे सर, ये पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। सबसे पहले सर आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का एड्रेस, कितने सालों तक बिजनेस करोगे, हर एक पार्टनर ने कितने पैसे लगा रखे हैं, कल को प्रॉफिट हो गया तो कैसे बांटोगे, हर एक पार्टनर की कितनी सैलरीज होगी, कितनी ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स का मतलब जानते हो ना, कितने पैसे निकाल सकते हो आप बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आपने कंपनी के अंदर जो पैसे जो लगाए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पैसे जो लगाए, तो पार्टनरशिप फर्म आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे हम क्लास 12th के अंदर, इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। पार्टनर ने क्या दिया, कंपनी को कैपिटल दी, बदले में कंपनी उसको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, मान लो किसी पार्टनर ने कंपनी से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो पार्टनर कंपनी को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, कोई पार्टनर अगर नया पार्टनर आएगा तो वो कैसे आएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, किसी पार्टनर को रिटायरमेंट के लिए कैसे जाएगा, किसी पार्टनर को निकालना पड़ा, उसने कोई गलत काम करा तो उसको कैसे निकालेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, कल को अगर लड़ाई बढ़ाई हो गई तो हम लोग डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज किसके अंदर लिखी होती है दोस्तों, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है, बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, सर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं आप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाओ, है ना, कलर कितना अच्छा लग रहा है नहीं वाला, बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड। भाई देखो ध्यान से बताता हूँ, जरूरी नहीं है जब आप पार्टनरशिप का बिजनेस करो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, पार्टनरशिप डीड बनाना है। सर पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, आपने दोस्तों के साथ ऐसे बोल दिया कि यार चल पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, कल को प्रॉफिट हो गया, दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन भाई हो सकता है आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो बोला जाता है रिटर्न करवा लो। लेकिन अगर आप ओरल डॉक्यूमेंट अगर करना है तो ओरल भी आप बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास करवाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, चाहो तो रजिस्ट्रेशन मत करवाना। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं। मान लो किसी कंपनी ने आपके साथ चीटिंग कर दी, तो आप क्या कर सकते हो, उसके तरफ केस कर सकते हो। मान लो किसी कंपनी के पार्टनर ने ही कंपनी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो कंपनी उसके अगेंस्ट क्या कर सकती है, केस कर सकती है, अगर आप लोग रजिस्टर्ड हो, अगर आप लोग रजिस्टर्ड हो। बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मान लो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी, अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म, मान लो कंपनी है वो कैसी है, अनरजिस्टर्ड है, सरकार के पास उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, नाम नहीं लिखवा रखा, तो कोई पार्टनर उस कंपनी का, वो सूट अगेंस्ट द फॉर्म और अ पार्टनर, वो सूट मतलब कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता किसी दूसरी कंपनी के लिए या किसी दूसरे पार्टनर के लिए।
अ फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, कोई दूसरे सामने वाले बंदे ने आपके साथ चीटिंग कर दी तो आप उसके साथ केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज आप क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है और आप उसके लिए कोर्ट केस करना चाहते हो, सूट का मतलब क्या होता है, कोर्ट केस फाइल करना चाहते हो, तो आपकी पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो भाई मैं क्या बोल दूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर, कंपनी खुद के पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती अगर कंपनी क्या है, अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, सरकार के पास नाम लिखवा रखा है, तो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी केसेस फाइल कर सकती है। तो ये क्या था, कुछ बेनिफिट्स थे रजिस्ट्रेशन के। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा आज की वीडियोस के अंदर, फटाफट से देख लें। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमने पढ़े, बहुत बड़ा टॉपिक था। पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ी, माइनर एज अ पार्टनर पढ़ा, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है और रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, और पार्टनरशिप टॉपिक आपका क्या हो जाएगा दोस्त, फिर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, फिर लिमिट्स ऑफ कॉर्पोरेटिव, फिर टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। और फिर लगभग फिर हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, किसके बारे में सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज क्या होती है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। तो नोट्स को ध्यान से साथ साथ क्या करते रहोगे, लर्न करते रहोगे। और वीडियो मेरे को पता है आप लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों के साथ, भैया लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट आता है तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना।